नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल sikhi.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अटल बिहारी श्रमिक आवागमन योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में द हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में निर्माण श्रमिकों के सामाजिक कल्याण से संबंधित अनेक नियमों को लागू करने पर विचार किया गया है। और बैठक में भवन निर्माण कार्य में लगे पुरुष एवं महिला श्रमिकों की दैनिक आय के आधार पर फ्री ट्रांसपोर्ट बस सेवा और महिला श्रमिकों की स्वच्छता के मद्देनजर सैनिटरी नैपकिन वितरण, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि और श्रमिकों के चार के लिए जो है चार धाम यात्रा की योजना और कंस्ट्रक्शन साइटों पर श्रमिकों के लिए सस्ता खाना, मोबाइल वैन शुरू करने और श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए कन्यादान राशि से संबंधित योजना पर विचार किया गया है। और श्रमिकों को अटल बिहारी श्रमिक आवागमन योजना के अंतर्गत जो है फ्री बस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है श्रमिकों के लिए फ्री जो है बस तीर्थ यात्रा धाम पर जाने के लिए फ्री बस सेवा की भी शुरुआत की जाएगी हरियाणा राज्य में। और उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला द्वारा जो है योजना को जो है फ्री परिवहन सुविधा का जो लाभ प्रदान किया जाएगा उस योजना को अटल बिहारी श्रमिक आवागमन योजना का नाम देने का निर्देश दिया है। और इस योजना को के जो है दिशा निर्देश की कार्य रूप बनाने के लिए निर्देश जारी किया है। और इसके लिए जो है श्रमिक विभाग, हरियाणा राज्य के श्रमिक विभाग और राज्य परिवहन विभाग को साथ मिलकर अटल बिहारी श्रमिक आवागमन योजना के दिशा निर्देश के कार्य रूप तैयार करना होगा। और दोस्तों, इस योजना को जो है हरियाणा राज्य में इसी साल अर्थात 2020 में लागू कर दिया जाएगा। और इस योजना के तहत जो है निर्माण श्रमिक चार धाम यात्रा जो योजना की लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत जो है योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और श्रमिक भवन एवं निर्माण कार्य में लगे जो श्रमिक हैं उनके लिए और इसके लिए जो है चार धाम यात्रा पर किसी भी एक धाम की यात्रा पर पहले बस भेजी जाएगी और जिस बस में जो है केवल भवन एवं निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक ही यात्रा करेंगे और इस बस में जो है के लिए कोई उन्हें जो शुल्क नहीं देना होगा, निःशुल्क बस यात्रा होगी। तो यदि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई चार धाम की यात्रा सफल होगी तो इस योजना को जो है विस्तृत रूप में प्रदेश में लागू किया जाएगा सभी निर्माण श्रमिकों के लिए। और इसके अतिरिक्त जो है निर्माण श्रमिकों को अपने निर्माण कार्य स्थल पर जाने और वापस निर्माण कार्य स्थल से घर आने के लिए जो है फ्री बस सेवा की सुविधा लागू की जाएगी। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि कम आय वाले जो निर्माण श्रमिक हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बस के सेवा का लाभ उठा सकें। केवल जो उन्हें श्रम निर्माण कार्य से जो आय प्राप्त होती है वो उनके दैनिक भोजन के लिए ही
या की आवश्यकता ही पूरे करने में जो है खर्च हो जाती है। तो ऐसे श्रमिकों को जो है आवागमन के लिए फ्री बस सेवा का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो जिन निर्माण श्रमिकों की कम आय होगी उन्हें ही इस फ्री बस सेवा के लिए जो है बस पास बनवाना होगा। और योजना के लागू होने पर जो है इस योजना के तहत कितने आय होने पर जो है फ्री बस पास का लाभ प्राप्त होगा इसका जो है तभी पता चलेगा जब इसके दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। और श्रमिकों को राज्य परिवहन बस सेवा से ही जो है आवागमन करने पर जो है बस पास का लाभ प्राप्त हो सकेगा। और इस बस पास का जो खर्च होगा वो हरियाणा के जो बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड है वो इस बस पास का खर्च वहन करेगी। तो इस प्रकार से जो है निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक जो ने दूर दूर तक की चल कर जो है दूरी तय करते हैं उन्हें बस से आवागमन करने की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त जो है इस बैठक में निर्माण का हरियाणा निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें अन्य घोषणाएं भी की गई हैं श्रमिकों के लाभ के लिए। घोषणा के अंतर्गत जो है निर्माण कार्य से जुड़ी जो महिला श्रमिक हैं उनकी स्वच्छता की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग को NTCP यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तर्ज पर जो है ATM नुमा सैनिटरी नैपकिन वितरण मशीन लगाने की योजना पर कार्य करने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। और ताकि जो है महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सैनिटरी नैपकिन आसानी से प्राप्त कर सके और उसके प्रयोग करने से जो है उसके होने वाले लाभ से अवगत हो सके इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को जो है इसके लिए जानकारी भी प्रदान करेंगी। और हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से जो श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर कन्यादान की राशि दी जाती है 1,01,000 रुपए, तो उसको अब 2 किस्तों में दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पहली किस्त पर जो है शादी से पहले 50,000 रुपए मिलेगी और इसके बाद जो है दूसरे किस्त शादी निर्माण कार्य से जुड़े जो श्रमिक हैं उनकी बेटी की शादी के बाद 51,000 रुपए बेटी के विवाह पर मिलेगी। और इस राशि को प्राप्त करने के लिए जो है निर्माण श्रमिकों को जो आवेदन करना होगा कन्यादान राशि प्राप्त करने के लिए उसमें कन्या की शादी का कार्ड लगाना आवश्यक होगा दस्तावेज के रूप में। और इसके अतिरिक्त भवन एवं निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को जो विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन की राशि दी जाती है उसमें जो है 500 रुपए की वृद्धि की जाने का जो है निर्देश जारी किया गया है। तो अब निर्माण कार्य से जुड़े जो वृद्धावस्था और विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं उन्हें 500 रुपए ज्यादा प्राप्त होगी। और श्रमिकों की जो है भोजन की समस्या को हल करने के लिए उनके लिए जो है कार्यस्थल पर मोबाइल वैन से सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की योजना पर भी जो है विचार किया गया है। तो इस योजना को जो है शुरू करने का उद्देश्य है कि जो
निर्माण श्रमिक है वो सस्ता भोजन उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकता हो पाता है कार्यस्थल पर, और उनके लिए संभव नहीं है कि कार्यस्थल से दूर चलकर अंत्योदय कैंटीन तक सस्ता भोजन लेने जाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने की योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने का निर्देश दिया गया है, और इस योजना को जो है गुरुग्राम से शुरू किया जाएगा, और यदि यह परियोजना सफल रही तो पूरे राज्य में जो है के जो निर्माण श्रमिक है वो अपने कार्यस्थल पर ही मोबाइल वैन से सस्ता भोजन उपलब्ध कर पाएंगे उपलब्ध हो पाएगा। और इस प्रकार से जो है दोस्तों अटल बिहारी श्रमिक आवागमन योजना की अभी लागू नहीं हुई है, और इसके लागू होने पर जो है निर्माण श्रमिकों को फ्री बस सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए बस पास बनवाना होगा और उसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। तो आवेदन किस प्रकार करना होगा इसकी जानकारी योजना के दिशा निर्देश लागू होने पर ही प्राप्त हो सकेगी। तो जैसे ही इस योजना के अटल बिहारी श्रमिक आवागमन योजना के दिशा निर्देश लागू होते हैं तो मैं इस लेख के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपको साथ जो है योजना फ्री बस पास बनवाने के लिए आवेदन किस प्रकार करना होगा इसकी जानकारी शेयर करूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हरियाणा राज्य के जो निर्माण श्रमिक हैं निर्माण कार्य से जुड़े हुए श्रमिक हैं वो इस योजना की जानकारी प्राप्त हो सके।